Now we have a story, The Hare and the Tortoise. ठीक है, इसको पढ़ते हैं. The tortoise was mocked for being slow moving, and the hare challenges it to a race. जो tortoise है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, और जो rabbit है ना, जो hare है, hare एक rabbit का ही type होता है, वो क्या बोलता है कि चलो हम एक race करते हैं. तो hare जो है leaves the tortoise behind and being very confident of his winning falls asleep midway. तो क्या होता है, जैसे ही race start होती है ना, तो हेयर एकदम से भागने लग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वही जीतेगा. और जैसे ही वो थोड़ा थक जाता है, वो थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे सो जाता है. ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि चाहे कितना भी टॉर्टोइस चल ले, वो मुझसे नहीं जीत पाएगा. सडनली जैसे ही वो उठता है, तो वो क्या देखता है कि जो कॉम्पिटिशन है वो तो ख़त्म होने वाला है, और जो टॉर्टोइस है वो बिल्कुल फिनिश लाइन पर पहुँचने ही वाला है, राइट. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो टॉर्टोइस था वो इस रेस को जीत गया. तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि जो धीरे धीरे चीज़ों को करता है, जो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो ज़रूर जीतता है, वो हमेशा विन होता है. नाउ नेक्स्ट इज द थर्स्टी क्रो. ठीक है, तो इसके अंदर लुक एट द पिक्चर्स, इट इज़ अ फेमस स्टोरी. Ask the teacher about this story. चलिए तो मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताती हूँ. Once upon a time there was a crow, right? तो एक बार क्या हुआ था, एक क्रो था. उस क्रो को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी. क्या लग रही थी, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी. ठीक है, तो उसने देखा कि एक जगह एक पॉट रखा हुआ है, पर उस पॉट में ज़्यादा पानी नहीं था, और जितना पानी था उसका मुँह उसका बीक के अंदर नहीं जा पा रही थी, पॉट के अंदर बीक ही नहीं जा पा रही थी, तो वो पानी पी ही नहीं पा रहा था बेचारा. तो उसने थोड़ा सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या आइडिया लगाऊँ कि मैं पानी पी पाऊँ. तो उसके पास एक आइडिया आया, तो उसने जो सारे पेबल्स आसपास पड़े थे ना, जो सारे पत्थर थे, वो पानी के अंदर डाल दिए. जैसे ही उसने पत्थर पानी के अंदर पॉट के अंदर डाले, तो पानी थोड़ा ऊपर हो गया, है ना, यही तो होता है. तो जैसे ही पानी ऊपर हुआ, उसने देखिए यहाँ पे, जैसे ही उसने पत्थर डाले पानी ऊपर हो गया, और जैसे ही पानी ऊपर आया उसने आराम से पानी पी लिया. तो ये स्टोरी किसके लिए थी, किसके बारे में थी, एक प्यासे कौए, एक थर्स्टी क्रो के बारे में थी, राइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.